so hello everyone myself shasta so here i am with a new video sorry for the delay i know you are having your exam on 3rd of i think june so without any delay let's get started so today i will provide you unit 1 and unit 2 okay along with the pdfs and pdfs will be provided in the description box सो so, मैं आपको यूनिट वन यूनिट टू दोनों का आज दे रही हूँ कल मैं आपको यूनिट थ्री और फोर अपलोड कर दूँगी तो प्लीज़ आप देख लें ठीक है और ये डिटेल्ड होगी सारे के सारे आपको पी डी एफ नोट्स दिए जाएंगे साथ में सो डोंट वरी सो आपका एग्ज़ाम जो है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है वो थ्री क्वेश्चन आएंगे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूँगी बट मैं वो करूँगी सेकेंड ऑफ़ जून को शेयर ओके okay. सो so, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं सेकेंड ऑफ जून को शेयर करूँगी तो इसमें जो है वो क्वेश्चन पेपर जो शेयर करूंगी वो सारा का सारा क्या होगा सॉल्व होगा ओके okay. सो so, आज हम जो है यूनिट वन क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी फिर भी अगर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा डिटेल में समझना चाहता है कोई एक चीज़ को समझ नहीं आ रही है पर्टिकुलरली सो ही और शी कैन मैसेज मी ऑन दी इंस्टाग्राम ठीक है इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल डॉट शास्त्रा के नेम से मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ठीक है फिर भी किसी को नहीं समझ आता है तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकता है सो so, यहाँ पे देखिए ये आपका सिलेबस है यूनिट वन टू थ्री एंड फोर ओके सो हम सबसे पहले हम हाँ डिस्कस करेंगे क्रिएटिव राइटिंग तो क्रिएटिव राइटिंग से आपके जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग कैन बी टॉट और लर्न ठीक है क्रिएटिव राइटिंग लर्न की जा सकती है कि पढ़ाई जा सकती है ये क्वेश्चन और जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं आपको पी प्रोवाइड होगा उस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे आपने उतार लेना है अपनी नोटबुक्स में अच्छे से याद कर लेना है ठीक है तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको आई थिंक फिफ्टीन क्वेश्चन लिखे होंगे उसमें से आपको टेन अटैम्प्ट करने होंगे वन मार्क्स के सो so वहाँ पे आपको लिटरेरी फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है लिटरेरी टर्म से भी जैसे फॉर्म से आ गया कि डिफाइन लिरिक और फॉर्म से आ गया टर्म से आ गया जैसे कि व्हाट इज़ अ सिमिली और जब भी आप ध्यान रखें जब भी आप लिटरेरी टर्म्स या लिटरेरी फॉर्म्स लिख रहे हैं तो आपने हर एक लिटरेरी फॉर्म या टर्म का एग्जाम्पल देना है ठीक है यू शुड मैंशन दी एग्ज़ाम्पल सो दैट यू कैन

वो उसका पेन नेम है ओ हेनरी ठीक है पेन नेम मीन्स जिस नाम से वो लिखता है ठीक है वो उसका रियल नाम अपना नहीं बताता है वो ओ हेनरी के नाम से लिखता है ठीक है पब्लिकेशन अपनी सो so, ये आ जाएगा ठीक है तो आपके जो है वो क्रिएटिव राइटिंग में इतना ही है कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है वो राइटिंग जिसमें आपकी क्रिएटिविटी जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से जो आप लिखते हैं दैट इज़ नोन एज क्रिएटिव राइटिंग ठीक है यहाँ पे डेफिनेशन है यू शुड अब देखो जो आपके मेजर और माइनर के स्टूडेंट्स हैं उनमें फर्क क्या है कि जो आपके माइनर के स्टूडेंट्स होंगे इंग्लिश माइनर जिनका होगा ठीक है वो जो है वो ज्यादा डेफिनेशन एज डेफिनेशन जो हैं अगर आप करेंगे सो दे विल इंक्रीज योर मार्क्स ठीक है दे विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट ठीक है तो यहाँ पे जो है आपने ये लिख लेना है क्रिएटिव राइटिंग का देख लेना है क्रिएटिव राइटिंग का डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल देख लेने हैं रोल ऑफ रोल इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन क्रिएटिव राइटिंग में कैसे रोल प्ले करती है वो आपने देख लेना है ठीक है क्रिएटिव राइटिंग का क्या रोल है इंस्पिरेशन में और इंस्पिरेशन सॉरी इंस्पिरेशन का क्या रोल है क्रिएटिव राइटिंग में और इतना टफ भी नहीं है पी मैं आपको कर दूँगी आपने जो है वो गूगल ड्राइव पर आपके डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे पी सो so ये आपने ध्यान में रखना है और ये आपका आ गया सारा और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ राइटिंग ये आपको पता है क्रिएटिव राइटिंग यूज इमेजिनेशन डू यू एग्री येस क्रिएटिव राइटिंग के लिए इमेजिनेशन जो है वो लगती है क्योंकि इमेजिनेशन नहीं होगी सो हाउ विल यू राइट ठीक है हाउ आर यू एबल टू राइट तो यहाँ पे आ जाएगा ये एंड कैन क्रिएटिव राइटिंग भी टॉट और लर्न ठीक है ये आ जाएगा अब आ जाएंगे लिटरेरी फॉर्म्स सो लिरिक लिरिक ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिरे विच मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड बाई ग्रीशियंस ठीक है ग्रीस वाले लोग प्ले करते थे तो लिरिक इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस एंड कोरसेस ठीक है सारा आपने लिखना है पर एग्जांपल जरूर मेंशन, मेंशन, तो मेंशन करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे सोनेट एटीन का एग्जांपल मेंशन किया है सो आपको भी यहाँ पे एग्जांपल मेंशन करना है एपिक जो है अगेन आपको इसमें जो है वो याद करने पड़ेंगे फिर भी अगर आपको ये समझने हैं तो प्लीज़ मुझे बता दें क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था ठीक है कि सफिशियंट टाइम नहीं था कि मैं आपको एक एक को समझाऊं इसलिए मैं आपको अभी तक सिर्फ प्रोवाइड कर रही हूँ चीज़ें ठीक है क्योंकि मुझे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं तो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ठीक है क्योंकि कम टाइम है तो मैं आपको प्रोवाइड ही कर सकती हूँ समझा तो नहीं सकती इस वक्त लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कोई लिटरेरी फॉर्म समझ नहीं आ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं ठीक है कोई फिगर ऑफ स्पीच समझ नहीं आ रहा है वो भी आप मुझे जिनके पास नंबर है वेल एंड गोड जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे जो जानते हैं पर्सनली वो कॉल कर लेंगे जो नहीं जानते हैं वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे ओड आपने देख लेनी है ठीक है पिंडर ओड पिंडर ओड इसलिए बोलते थे क्योंकि एक पिंडर नाम का जो था वो एक एंशंट पोइट हुआ करते थे उन्होंने इस ओड को वो कि हरेशन ओड अगेन होरेस नाम का एक पोइट था लेटिन पोइट बैलेड बैलेड स्टैंड फोर लाइन स्टैंड होता है बै बैलेड ठीक है टेट्रा का मतलब क्या होता है फ़ोर ठीक है फोर और जो आपका मतलब फोर लाइंस है ना फोर लाइंस टेट्रा ठीक है तो टेट्रा मीन्स फोर ओके और ये जो ट्राई है ठीक है और इसमें आ जाएगा आपका फोर फोर टूजा एट हो गए तो एट सेलेबल्स और थ्री टूजा सिक्स टू से मल्टीप्लाई करना है इनको ठीक है अब यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी क्या होती है ये शॉर्ट स्टोरी और नोवेल के बीच में जो आपको डिफरेंस आ सकता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए शॉर्ट स्टोरी और नोवेल के बीच में क्या डिफरेंस है तो शॉर्ट स्टोरी जो मैं आपको अभी प्रीवियस ईयर शेयर करूंगी सेकेंड ऑफ जून को उसमें ये मैंशन होगा अगर आपको पहले चाहिए होगा तो मैं पहले कर दूँगी बस आप कमेंट करके बता दें सो so, शॉर्ट स्टोरी जो होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ सो शॉर्ट स्टोरी कैन बी अराउंड थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड वर्ड्स एंड On the other hand, novel can be of around 60,000 to 120,000 words. Okay. A short story can sorry. A short story deals with only one or two themes. But on the other hand, novel deals with two or more themes, or it can have numerous themes, you can say. And in short story, the story revolves around the main characters. But in the novel, there are a lot of characters, a number of characters are

ये नॉवल के टाइप्स भी अगर फोर मार्क्स सॉरी फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे और एस यू नो वेरी वेल एस में क्या होता है कि राइटर या ऑथर अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं पीरियडिकल पीरियडिकल क्या होती है जो एक रेगुलर स्केड्यूल में जो चीज़ें पब्लिश होती हैं दैट इज़ डोन एज पीरियडिकल आर्टिकल्स आर्टिकल्स आपको पता है जो भी रिसेंट न्यूज़ हो यो कोई भी एक मतलब बोल सकते हैं कोई भी एक ऐसी गॉसिप हो जो अभी चर्चा में हो या कुछ भी है उसके रिलेटेड कोई भी आप आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे किसी भी थीम पे आप लिखते हैं दैट इज़ नोन एज आर्टिकल ठीक है सो so, ये था आपका यू, यूनिट का पार्ट वन, ठीक है अभी ट्रेजेडी और कॉमेडी और सोनेट में आपको सेकेंड पी में बताऊंगी वेट फॉर सेकेंड सो हेयर योर ट्रेजडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो so, ट्रेजेडी देखो यहाँ पे ट्रेजेडी क्या है ट्रेजिडी एक ब्रांच ऑफ ड्रामा है इन विच रेफर टू स्पेसिफिक प्लॉट लाइन होती है और ट्रेजेडी और कॉमेडी में पता है क्या फ़र्क होता है ट्रेजेडी क्या होती है एक ऐसी स्टोरी एक ऐसी बोल सकते हैं ऐसा स्टोरी लाइन या ऐसी प्लॉट जिसकी एंडिंग जो है वो सैड होती है एंड ऑन द अदर हैंड अ स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग इज नोन एज अ कॉमेडी ठीक है सो so, यहाँ पे ट्रेजडी आ जाएगी आपकी सब जेनर्स ऑफ ट्रैजिडी डी कैजीबस ट्रैजडी रिवेंज ट्रैजिडी और द ट्रैजडी ऑफ ब्लड इसमें आप लिख सकते हैं अगर आपको फाइव मार्क्स के लिए आता है तो इनको आप थोड़ा थोड़ा देख लें ट्रेजिक कॉमेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको वन मार्क्स के लिए अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट इज अ ट्रेजिक कॉमेडी सो एक ऐसी स्टोरी या एक ऐसा नरेटिव जिसमें ट्रेजिक एलिमेंट्स भी हों और मतलब उसमें आप डेथ से रिलेटेड भी होगा और कॉमेडी में मीन्स हैप्पी इवेंट्स भी होंगे सो so, एक ऐसी आपकी बोल सकते हैं हाँ कॉमेडी एज है, यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर मैंने आपको पहले बोला एग्जांपल्स देना नहीं भूलना है सब जेनर ऑफ कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी सटायरिक कॉमेडी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स सो और ये ध्यान में रखें ये जो बुक है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नेक्स्ट ईयर यू विल बी अपेयरिंग इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ सो वहाँ पर जो है वो आपको फिगर ऑफ़ स्पीच लिटरेरी टर्म्स लिटरेरी फॉर्म्स यही सब पूछे जाते हैं ठीक है और आपका लिटरेचर पूछे कॉमेडी ऑफ़ मैनर्स किसने दी है ठीक है कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसने दी है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसने दी है सो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज गिवन बाई बेन जॉनसन तो इस तरीके से आपको जो है वो पता होना चाहिए ठीक है इसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा मेलोड्रामा मेलोड्रामा क्या है प्लॉट क्या है ठीक है ये आपने ध्यान में रखना है कॉमेडी ऑफ मैनर्स दी है जैसे विलियम कन्ग्रीव ने ठीक है ये आपको पता होने चाहिए और जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है वो विलियम वाई शर्ली ने दी है सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑल ईवर गोल्ड स्मिथ ने दी है सो so ये आपको पता होना चाहिए अभी से थोड़ा बहुत एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना स्टार्ट करो तभी आपका जो है जैसे एंट्रेंस क्लियर कोई आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी इस बार कैसा एंट्रेंस रख दिया हुआ है ऑल इंडिया लेवल पर तो कॉम्पिटिशन इज टफ ओके सो प्लॉट यहाँ पर आ गया करेक्टराइजेशन आ गई सोनेट यहाँ पे आ गया सोनेट इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको सोनेट आ सकता है फाइव मार्क्स के लिए भी क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन भी आपको पक्का आएगा कि क्रिएटिव राइटिंग में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा कि बट इज क्रिएटिव राइटिंग भी आ सकता है एवरीडे uh, लाइफ के एग्जाम्पल से पूछ जा सकते हैं या क्रिएटिव राइटिंग कैन लर्न और टॉट ये वाला भी आ सकता है ठीक है पेट्रार्कन सोनेट स्पेंसेरियन सोनेट शेक्सपीरियन सोनेट ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है ठीक है जो पेट्रार्कन है उसमें जो है वो पेट्रार्क के उस उसपे है ऑक्टेव और सेटेस्ट सेस्टेट इसमें बनते हैं टेव होता है एट लाइंस पहली एट लाइंस को ऑक्टेव बोलते हैं लास्ट की सिक्स लाइंस को सेस्टेट बोलते हैं ठीक है जो फर्स्ट की जो लाइंस होती है ना उसमें जो है वो एक आइडिया के बारे में जो है बताया जाता है ठीक है लेकिन जो लास्ट की सेस्टेट होती है उसमें जो है वो जो भी प्रॉब्लम हुई है उस आइडिया से रिलेटेड उसके बारे में बताया जाता है ऐसी सोनेट होती है सोनेट आपको पता है फोर्टीन लाइन्स की होती है फोर्टीन लाइन्स ओके स्पेंसेरियन सोनेट इसमें लास्ट में जो है वो कपलेट होता है ठीक है इसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी

और यूनिट टू का नेक्स्ट वीडियो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ ओके पी दोनों के जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होंगे तो देख लेना ठीक है एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर सुन लेना सो थैंक यू सो मच किसी को कोई क्वेरी हो किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ ले और मैंने आप, आपको समझाना ज़रूर था लेकिन मैं लेट हो गई वीडियो बनाने में क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ तो फिर मुझे अपना भी थोड़ा बहुत करना होता है तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई आपकी वीडियो तो यहाँ पर मैंने आपको दो तीन दिन पहले वीडियो अवेलेबल कर दी क्योंकि अब आपको मुझे पता है मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि इसकी वीडियो बनानी है तो इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है ठीक है और समझा मैं नहीं पाई इसलिए बहुत बहुत सॉरी लेकिन फिर भी मैंने आपको जो है वो पी में प्रोवाइड कर दिया हुआ ताकि आप ख़ुद पढ़ लें ठीक है फिर भी कोई डाउट है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज़ ऑन द इस्टाग्राम आई डी देट इज़ प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो थैंक यू सो मच